आप सभी का पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही जो घंटे का आइकन है इसको भी दबा के ऑन कर लें लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए। दोस्तों आप सभी का स्वागत है पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों देख सकते हैं जियो, एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन चारों ही कंपनियों के अंतर्गत जबरदस्त कंपटीशन चल चुका है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया कि जियो ने फ्री कॉल को बंद कर दिया था, लेकिन दोस्तों अब बहुत जोर से हंगामा हो चुका है। जियो के अंतर्गत कॉल रेट लागू होने के कारण एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा यहाँ पे मिला है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की तरफ से बहुत ही कम कॉल रेट यहाँ पे जारी की गई है। नए प्लान जो है सभी कंपनियों के 1 दिसंबर से लागू हो चुके हैं और नए प्लान्स के अंतर्गत हम बात करें तो जियो से काफी सस्ते प्लान यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल ने उपलब्ध कराए हैं। इसके आधार पर जियो की जो है इस बार बहुत ही किरकिरी होने वाली है, यानी कि जियो को बड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप जो है जियो के अंतर्गत भी फ्री कॉल कर सकते हैं और सभी कंपनियों के नए प्लान जो है क्या क्या आए हैं, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों के लिए किस प्रकार से बड़ी खुशखबरी है, इन तमाम समस्याओं का समाधान हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की वीडियो जानकारी सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पहले देखो पहले सीखो के माध्यम से अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आग्रह है, विनती है। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो के नीचे इस तरीके से एक रेड सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से चैनल के साथ जुड़े और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब के राइट साइड में इस तरीके से आपको एक छोटे से बैल या घंटे का निशान दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जानकारी पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे थंबनेल के बटन को दबा के वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों और मिलने वालों के बीच शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधा उस बड़ी खबर की तरफ। तो दोस्तों ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है उमर उजाला की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में कि एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों को मिला बड़ा तोहफा, जियो यूजर्स को बड़ा नुकसान। तो दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जियो के जैसे ही नए प्लान आए हैं कॉल रेट लागू हुई है जियो में 6 पैसा प्रति सेकंड, उसी के आधार पे यहाँ पे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के ग्राहकों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ है और जियो यूजर्स को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन इस साल नए प्लान लेके आई है तीनों ही कंपनियां, इस साल के बाद घाटे में रहेंगे जियो के ग्राहक। दोस्तों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि जियो ने भी यहाँ पे आखिरकार कॉल रेट जो है लागू कर दिया है। और आपको हम बता दें कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ने 3 दिसंबर को अपने नए प्लान जारी किए थे, उस दौरान इन तीनों कंपनियों ने अनलिमिटेड के नाम से कई सारे पेश किए, लेकिन सच्चाई यह थी कि किसी भी प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं मिलती थी। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग ना मिलने की खबर को उमर उजाला के प्रमुखता से प्रकाशित किया था। ग्राहकों ने भी वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के इस फैसले का विरोध किया, लिहाजा वोडाफोन ने अपने ग्राहकों को वास्तव में अनलिमिटेड कॉलिंग देने का ऐलान किया है। आइए अब जानते हैं कि वाकई में ये खबर जो है सच है या झूठ है, वोडाफोन, एयरटेल और आइडिया जो है आपको फ्री प्लान यहाँ पे दे रही है। तो सबसे पहले हम एयरटेल और वोडाफोन की बात करें तो दरअसल हम आपको बता दें कि 3 दिसंबर नए ट्रैफिक रूल लागू होने के बाद एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने अपने अपने सभी प्लानों के साथ यहां पे फेयर यूजेज पॉलिसी यानी कि एप यूपी शुरू की है, जिसके तहत सभी प्लान के साथ दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग की सीमा तय की गई है। उदाहरण के तौर पर 28 दिनों वाले प्लान के साथ दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 1000 मिनट मिलते थे। वहीं हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वही एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के एफ यू पी को खत्म करने का ऐलान किया है। ऐसे में वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के ग्राहक जो है सभी कंपनियों के नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल कर सकेंगे, जबकि जियो के ग्राहक जो है दूसरे नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए कुछ भी मिनट मिलेंगी, यानी कि उसके लिए आपको 6 पैसा प्रति मिनट जियो के लिए देना होगा। लेकिन अगर आपके पास वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के अगर आप रिटेलर हैं तो सभी कंपनियों के नेटवर्क पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग यहां पे दी जाएगी। उसके बाद जियो यूजर्स के लिए प्रति
मिनट 6 पैसे वसूल किए जाएंगे। दोस्तों मेरी कोई भी कंपनी नहीं है, मैं आपको जो जानकारी आ रही है वही बता रहा हूँ। कहीं आप ऐसा सोचे कि मैं एयरटेल वोडाफोन या आइडिया का कोई रिटेलर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर इसी प्रकार की जानकारी लेके आता रहता हूँ, जो सच बात होती है वही मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैंने जियो के भी काफ़ी वीडियो बनाए थे, जियो में काफ़ी अच्छी यहाँ पे जब ऑफर्स आए थे तो उस समय तो वोडाफोन ने फेयर यूजेज पॉलिसी यानी कि ऐप यूपी खत्म करने की जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट में कहा है कि फ्री का मतलब अभी भी फ्री होता है, अब हमारे ट्रूली अनलिमिटेड प्लान से किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉल्स का लुत्फ उठाइए और वोडाफोन के सभी प्लान अब अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ अपडेट कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों जियो के अंतर्गत जियो जिन भी कैंडिडेट्स के पास है, जियो यूजर्स के लिए फ्री में कॉलिंग का गया जमाना बात करने के लिए आपको देने होंगे जियो में 6 पैसे प्रति मिनट। तो दोस्तों वो दिन गए जब जियो के अंतर्गत सभी जो है फ्री में 3 महीने या फ्री अनलिमिटेड कॉलिंग करते थे। जियो के ग्राहकों को देना होगा IUC। बता दें रिलायंस जियो इसी साल अक्टूबर में IUC की प्लान लेके आई है, जिसके तहत दूसरे नेटवर्क पर अगर आप कॉलिंग के लिए कॉल करते हो तो जियो के ग्राहकों को प्रति 6 मिनट प्रति सेकंड वो सॉरी दोस्तों 6 पैसे प्रति मिनट यहां पे देना होता है। जियो के ग्राहकों को नए ट्रैफिक प्लान की भी यहां पे IUC शुल्क देना पड़ रहा है। तो दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं नए जो ट्रैफिक नियम यहां पे लागू किए गए हैं, नए प्लान्स जो है यहां पे सभी कंपनियां लेके आई हैं। तो क्या क्या प्लान है, सबसे पहले रिलायंस जियो की बात करें तो 199 रुपये के रिचार्ज के अंतर्गत हर महीने आपको 1.5 GB डाटा रोजाना मिलेगा और जियो से जियो आप फ्री कॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जियो से नॉन जियो नंबर पर आपको 1000 मिनट मिलेंगी और जियो टू जियो आपको अनलिमिटेड कॉल फ्री दी जाएंगी। उसके बाद 399 रुपये वाला प्लान जो है 2 महीने में इतना ही यानी कि 2 महीने की इसकी वैलिडिटी है, इसमें 1.5 GB डेटा रोज मिलेगा, 2000 मिनट्स आपको दी जाएंगी। इसके अलावा अगर 555 रुपये वाला प्लान अगर आप कराते हैं तो 3 महीने और 3000 मिनट इसके लिए दी जाएंगी। उसके बाद हम आपको बता दें तो 2199 रुपये वाले प्लान में 12 महीने 1.5 GB डेटा डेली और 12000 मिनट आपको जियो देता है। 2 GB डेली डेटा प्लान में 28 दिन का रिचार्ज होगा और 249 रुपये का रिचार्ज होगा। 56 दिन का अगर आप कराते हैं तो 444 रुपये और अगर आप 84 डेज का कराते हैं तो 599 रुपये। 84 का जो रिचार्ज पहले 399 में होता था अब वो 599 यानी कि आप देख सकते हैं 200 रुपये यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। 3 GB डेली डेटा प्लान में 28 दिन का 349 रुपये में होगा। इसके अलावा अगर आप अफोर्डेबल प्लान कैटेगरी में 129 रुपये में 28 दिन के लिए 2 GB डेटा और 1000 मिनट आपको दी जाएंगी। 229 रुपये के प्लान में 84 दिन के लिए 6 GB डेटा और 3000 मिनट आपको दी जाएंगी। उसी के बाद 1299 रुपये का प्लान जो है 365 दिन के लिए 24 GB डेटा 12000 मिनट आपको दी जाएंगी। ये था दोस्तों जियो के नए प्लान। अब उसके बाद हम एयरटेल के प्लान्स की बात करें तो एयरटेल का जो पहले 35 रुपये वाला वैलिडिटी प्लान था 28 दिन के लिए अब वो दोस्तों 49 रुपये का हो चुका है। 65 रुपये वाला रिचार्ज जो है अब 79 का और 129 रुपये वाला रिचार्ज 148 रुपये का हो चुका है। तो दोस्तों वहीं हम बात करें तो 169 रुपये का रिचार्ज जो है 199 रुपये का हो चुका है। नए कूपन के अंतर्गत 248 रुपये वाले पैक में इसे रिप्लेस किया गया है। 249 रुपये में 28 दिन के लिए 2 GB रोज डेटा और कॉलिंग वाला पैक जो है अब 298 रुपये में हो चुका है और 448 रुपये का जो प्लान था 82 दिन 1.5 GB रोज कॉलिंग वाला पैक अब वो 598 रुपये में 84 दिन के लिए हो चुका है। उसके बाद 499 रुपये का जो प्लान था वो 82 दिन रोज 2 GB वाला वो कॉलिंग पैक है अब जो 698 रुपये में 84 दिन के लिए हो चुका है। 998 रुपये वाला प्लान जो 336 दिन था 12 GB डेटा पैक के साथ अब वो 1498 रुपये में 365 दिन 24 GB डेटा के साथ हो चुका है। वहीं 1699 रुपये में 365 दिन का रोज जो 1.5 GB वाला प्लान था वो कॉलिंग वाला पैक वो 2398 रुपये में हो चुका है। वहीं हम वोडाफोन और आइडिया की बात करें तो दोस्तों वोडाफोन और आइडिया जो है 149 रुपये में 2 GB डेटा 28 दिन के लिए उपलब्ध करा रही है। तो दोस्तों यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है 28 दिन के लिए 149 रुपये में 2 GB
और 249 रुपए में 1.5 GB रोज डेटा और 1000 मिनट, 299 रुपए में 2 GB रोज, 399 में 3 GB और 28 दिन और 1000 मिनट, 84 दिन वैलिडिटी में के लिए आपको 379 रुपए का रिचार्ज कराना होगा और 6 GB डेटा और 599 में 1.5 GB रोज, 699 में 2 GB रोज और 3000 मिनट आपको दी जाएंगी। वहीं हम बात करें तो दोस्तों 365 दिन के लिए 1499 रुपए का रिचार्ज, जिसमें 24 GB डेटा आपको दिए जाएंगे और 2399 रुपए में 1.5 GB डेटा रोजाना का पैक यहाँ पे आइडिया और वोडाफोन लेके आई है। इस तरीके से चारों ही कंपनियों के नए प्लान्स के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आपको जिसके भी प्लान अच्छे लगे हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल या घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी लेटेस्ट ताजा जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए पहले देखो पहले सीखो यूट्यूब चैनल में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।